मैंने तीन बार इंटरव्यू दिया इससे पहले और तीनों बार मैं फ़ेल हुआ हूँ तो अब मैं उस अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि क्या क्या यू पी को मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए ये हमेशा एक रहता है कि कोचिंग करें या नहीं करें ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स लोगों को लगती है कि वो कोचिंग कर लेते हैं उसके बाद बोलते हैं कि मेरे को कोई हेल्प नहीं मिली या फिर कोचिंग नहीं करते हैं तो सोचते कोचिंग कर लेता तो ज़्यादा हेल्पफुल रहता एक होता है कि बुक लिस्ट कौन सी पढ़नी है आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोग मिस्टेक करते रहते हैं ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता है तो उनको क्या करना चाहिए मैं फरमान अहमद खान मेरी यूपीएससी में दो रैंक है एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन दिल्ली नॉलेज ट्रैक। हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम फरमान अहमद खान है और मैंने इस साल यू पी एस में दो रैंक हासिल किया है मेरी सात साल की इस जर्नी में मैंने जो मिस्टेक्स की हैं मैं उसकी सहायता से चाहूँगा कि आगे आने वाले एसप्रेंट्स को वो मुश्किलें ना महसूस हों तो मेरे सात साल की जर्नी इस प्रकार से रही है कि मैंने तीन बार इंटरव्यू दिया इससे पहले और तीनों बार मैं फ़ेल हुआ हूँ तो इंटरव्यू के बाद चौथी बार फेल होना प्रीलिम्स में ही इन इट मेरे लिए बहुत लो पॉइंट था जो कि अगर मैं कहूँगा कि शायद बहुत सारे लोग वहाँ पे शटर हो जाते टूट जाते बट मैंने अपने आप को दोबारा से रिस्टडाइज़ किया मैंने दोबारा से कोशिश की और 2019 में दो रैंक हासिल किया तो अब मैं उस अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि क्या क्या यू पी को मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए पहला फेज़ जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रिलिम्स का है प्रिलिम्स में अक्सर क्या देखा जाता है कि लोग पूरी तैयारी ना करके सीधा एग्ज़ाम हॉल में चले जाते हैं तो सबसे पहली मिस्टेक्स तो लोगों को ये कभी नहीं करनी है कि हाफ तैयारी के साथ जाना है अटम्प्ट आपके बहुत वैल्यूबल हैं इसलिए हमेशा पूरी तैयारी के साथ प्रीलिम्स एग्जाम हॉल में जाएं देने दूसरी मिस्टेक्स क्या होती है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं टेस्ट पेपर्स तो टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें उसका फ़ायदा आपको किस तरह कैसे होगा कि जो भी आप टेस्ट पेपर में मिस्टेक्स करते हैं उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है फॉर एक्जाम्पल आप हिस्ट्री के क्वेश्चन लगा रहे हैं आपके 50 में से 20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपको ये पता रहेगा कि आपका ये एरिया वीक है और कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और तीसरी प्रायोरिटी आपके सेट होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है खेलना कूदना नहीं है या कोई और एक्टिविटी नहीं करनी है पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़रूरी है बाकी एक्टिविटीज़ भी करते रहें वही आपके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करेगा अगर किसी को खेलना पसंद है तो वो खेलना भी चाहिए उसको किसी को गाना सुनना पसंद है उसको गाना सुनना चाहिए किसी के लिए प्रेयर बूस्टर होता है वो उसको प्रे करनी चाहिए तो हमेशा स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल है वो आपको करते रहना चाहिए हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए आप लोगों को कि आप जो गलतियाँ कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें गलती हर इंसान करता है उससे जो सीखता है वही आगे बढ़ता है मैंने भी बहुत गलती की अपनी प्रिपरेशन में उस गलती से सीखने के बाद ही मुझे सफलता हासिल मिली है चौथा अपने हमेशा एक रहता है कि कोचिंग करें या नहीं करें ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स लोगों को लगती है कि वो कोचिंग कर लेते हैं उसके बाद बोलते हैं कि मेरे को कोई हेल्प नहीं मिली या फिर कोचिंग नहीं करते हैं तो सोचते हैं कोचिंग कर लेता तो ज़्यादा हेल्पफुल रहता तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है तो मेरा मानना ये है कि अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं आप फाइनेंशली वाइबल हैं तो कोचिंग करिए क्योंकि कोचिंग से हेल्प क्या होता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और टाइम शेड्यूल में आपका सिलेबस कवर हो जाता है अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं आपके पास कोई गाइड करने वाला है या फिर मेंटरशिप है तो आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है आप उस मेंटरशिप के अकॉर्डिंग उसकी गाइडेंस के अंडर आप तैयारी कर सकते हैं तो ये गलती कभी भी ना करें कि आपको कोचिंग करनी है या नहीं करनी है ये डायलॉमा कभी नहीं होना चाहिए आपके उसमें और और अगला ये मिस्टेक एक बहुत बड़ा अक्सर देखा गया है कि लोग प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी अलग अलग फेजेज़ में करते हैं तो एक ये बहुत बड़ी चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपकी पढ़ाई इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए ये पोर्शन इस सब्जेक्ट का प्रीलिम्स के लिए इंफॉर्मेशन इंफ, फुल है या फिर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है मेंस के लिए है या फिर इंटरव्यू के लिए तो इसमें एक बेसिक सा डिफरेंस ये होता है कि प्रीलिम्स में जैसे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है तो आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम करना है अपना और चीज़ों को डेप्थ एनालिसिस करना है उसी बेसिस पर आप एलिमिनेशन थ्योरी को अप्लाई कर सकेंगे क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आपको सौ के सौ क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप जब थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन कब यूज़ कर सकते हैं जब आपने वेल स्टडीड किया हो दूसरा आप लॉजिकल रीजनिंग आपकी स्ट्रॉग हो तो जब भी आप एलिमिनेशन लगा सकते हैं मेंस के लिए क्या होता है आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए बट बहुत, बहुत ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं है अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप कोई भी मेंस का आंसर बहुत अच्छा लिख सकते हैं इंटरव्यू के लिए अगेन आपको बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए कि आपको चीज़ों को पता होना चाहिए उसके कॉन्सिक्वेंसिस पता होने चाहिए और इंटरव्यू और मेंस में ज़रा सा डिफरेंस ये है कि इंटरव्यू में आपको पहले कंक्लूड करना होता है मेंस में आपको बाद में कंक्लूड करना होता है तो इस चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें पाँचवा एक होता है कि बुक लिस्ट कौन सी पढ़नी है आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोग मिस्टेक करते रहते हैं लोग क्या करते हैं इंटरनेट पर सर्च किया ये बुक्स पढ़ ली बट बुक लिस्ट सबसे बेसिक जो बुक लिस्ट है वो है एन सी एन के बिना आपको सक्सेस नहीं मिल सकती तो एक हमेशा फार्मूला रखिए सबसे पहले अपनी शुरुआत स्टडीज़ की एन सी से ही करें एन एक बहुत बेसिक फंड है उसके बाद ही स्टैंडर्ड बुक्स पे जाइए एक ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स लोगों की रहती है जो कि मैंने भी अपनी स्टार्टिंग में करी कि मैंने एन ना पढ़ के सीधा जंप स्टैंडर्ड बुक्स पे कर ली तो उससे मेरे को प्रॉब्लम हुई तो जब मैंने दोबारा से जब मेरा तीन बार इंटरव्यू के बाद फोर्थ में प्रिलिम्प नहीं हुआ मेरा तो मैंने दोबारा से अपनी ज़ीरो से तैयारी शुरू करी और मैंने एन को ही अपना बेस माना तो ये सब तैयारी के दौरान गलतियाँ ना करें और जो एक बहुत बड़ी गलती क्या होती है लोगों की कि वो क्या कहते हैं कि यू की तैयारी कर रहे हैं तो यू की तैयारी में ही लगे रखते हैं बाकी चीज़ों से कनेक्शन टूट जाता है तो एक सबसे बहुत बेसिक फंडा सक्सेस का यही है कि आपको ओवरऑल अपने इंटीग्रेटेड चीज़ों को रहना है यू हैव टू बी कीन डीप ऑब्जर्वर ऐसा नहीं है सिर्फ यूपीएससी की पढ़ाई करेंगे तो सक्सेस मिल जाएगी और तीसरा लोग ये सोच के आते हैं कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी हो जाएगा अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है आपने पूरी इंटीग्रेटेड फार्मेट में तैयारी तीनों फ़ेज़ की करी है तो फर्स्ट अटैम्प्ट में भी हो जाएगा बट ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता है तो उनको क्या करना चाहिए तो हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद लो फील ना करें लो फील करने कैसे बचा जा सकता है कि अपने दोस्तों से बात करिए फैमिली से हमेशा कनेक्शन बनाए रहे या फिर ऐसी चीज़ें करी जिससे आप इंजॉय करते हैं कोई भी बंदा कोई भी स्टूडेंट कभी भी 24 फ़ोर आवर्स नहीं पढ़ सकता तो अपने टाइम मैनेजमेंट आपकी फ़िक्स होनी चाहिए एट आवर्स पढ़ रहे हैं आप टेन आवर्स पढ़ रहे हैं या ट्वेल्व आवर्स पढ़ रहे हैं या आप डिसाइड करेंगे हर इंडिविजुअल की अपनी कैपेसिटी होती है तो आप किसी को फॉलो कर रहे हैं टॉपर से बोल रहे हैं कि मैं दस घंटे पढ़ा पढ़ाऊँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप दस घंटे में वही चीज़ कवर अप कर सकते हैं आपकी यूनिकनेस है आप डिसाइड करिए कि आपके लिए एट आवर्स इनफ है टेन आवर्स इनफ है या फिर ट्वेल्व आवर इनफ है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी टाइम मैनेजमेंट स्टडी शेड्यूल बनाइए एक बहुत शेड्यूल की बहुत इंपॉर्टेंस है लाइफ में यूपीएससी में भी और आपकी लाइफ में भी तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से शेड्यूल और हमेशा शेड्यूल लॉन्ग टर्म में आप बना के उसको फिजिबल नहीं बना सकते तो हमेशा शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शेड्यूल्स बनाइए फॉर एग्जांपल वीकली बना सकते हैं आप तो वीक के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है इस वीक में कवर या नंबर ऑफ आवर्स के अकॉर्डिंग बना सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप स्टडी करिए हमेशा एक चीज़ ये याद रखिए कि अगेन सेवन डेज़ अ वीक आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो आप एक ऐसा दिन हमेशा रखिए जिसमें आप थोड़ा इन्जॉय करिए मूवी जा सकते हैं अगर मूवी पसंद है शॉपिंग जा सकते हैं शॉपिंग पसंद है खेलना पसंद है या फिर बहुत लाइट स्टडी कर सकते हैं उस दिन को अगर आप इन सब में कुछ भी पसंद नहीं कर सकते अगर आप सेवन डेज़ एक ही मॉड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ते रहेंगे टेन ट्वेल्व आवर्स डेली तो आप उसके बाद आपका माइंड को भी रेस्ट चाहिए तो माइंड को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है तो इसलिए ये सब गलतियाँ ना करें मैं इस वीडियो वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाह रहा हूँ आपको जो मैंने गलती करी है वो आगे आने वाले एस्पिरेंट ना करें और ये चीज़ सीखते रहें कि गलतियों से ही इंसान आगे बढ़ता है तो गलतियों से आपको सीखना है ना कि उन गलतियों को दोहराना है अगर आप गलतियों से सीखते रहेंगे तो यू में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी तो मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि मोटिवेट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप सब ने सूरमा वो ही देखी होगी संदीप सिंह के गोली लग जाती है और उसके बाद भी खड़ा होकर दोबारा से इंडिया कैप्टन हॉकी का टीम बनता है क्यों क्योंकि अंदर उसके अंदर झील थी वो जज्बा था तो ये बहुत ज़रूरी है आपको यूपीएससी में सक्सेस के लिए कि आपकी झील इंटरेस्ट और जज्बा बना रहे उसी के लिए आपको सक्सेस की ओर आगे एक कदम बढ़ता रहेगा आपका तो ये मेरा वीडियो ये था कि इसके माध्यम से आपको ये पता लगे कि आप क्या क्या गलती आपको यू फील्ड में नहीं करनी है जिससे आपको सफलता मिले और सहायता मिले आगे और मैं दूसरा दहली नॉलेज ट्रैक का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसके माध्यम से मैं आप तक पहुँच पा रहा हूँ